हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये ब्यूटीफुल लीव्स जो दिख रही हैं ऑर्नामेंटल, ये कलेडियम की हैं। कलेडियम एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसमें कई कलर की लीव्स आती हैं और वेरीगेटेड बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इसमें देखिए, एक इनकी मार्जिन एकदम प्रोमिनेंट होती है, वेन्स जिसको कहते हैं, और कईयों में पिंक कलर की, कईयों में और डार्क कलर की होती हैं, और ये बहुत ही प्रिटी लगता है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको बल्ब से लेकर के प्लांट के लीव्स के उगने तक का सफ़र देखते हैं। आज हम लोग कलेडियम के बल्ब्स जो लास्ट सीज़न में इनफैक्ट सेव किए हुए थे गर्मियों के बाद, वो मैंने निकाले हैं। वो राइट टाइम है, इनफैक्ट थोड़ा लेट ही हो गई हूँ मैं तो। इसको मैंने ब्राउन पेपर पैकेट में और इसमें कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा था। नीचे मैंने कुछ कोयले के पीसेस रखे थे, वुड चाकोल। ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, फंगीसाइड की तरह भी एक्ट करता है, और इसमें थोड़ा सा मैंने सैंड डाला था। तो देखिए, ये सारे बल्ब्स हैं। अब इनको मैं इसमें पॉट करूंगी। ये छोटे छोटे में से भी खूब अच्छे अच्छे ऑर्नामेंटल लीव्स निकलेंगी। तो ये पॉटिंग सॉइल आपको बहुत वेल ट्रेन लेनी है, क्योंकि नहीं तो ये इनके जो बल्ब्स होते हैं ये सारे रॉट हो जाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1/4 सैंड, 1/4 गार्डन सॉइल, 1/4 कोकोपीट और 1/4 काउडंग मैन्योर, और साथ में बोन मील बहुत मस्त है। मस्त तो क्या मतलब, अच्छा रहता है इसके लिए बोन मील, और साथ में नीम खली, ये ज़रूर अगर है तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में मैंने इसमें फंगीसाइड डाला है पॉटिंग सॉइल में, मगर फिर भी अभी थोड़ा डाल रही हूँ ताकि फंगस ना लगे इसमें। अगर थोड़ा भी पानी एक्स्ट्रा होता है तो इसमें फंगस हो जाती है। तो ये सबसे सेंटर में लगा देती हूँ मैं, और बहुत डीप नहीं जाना है। और ये ऐसे करके इसके जो ये यहाँ से फुटाव आएगा तो इसको थोड़ा ऊपर रखना है। ये देखिए, ये यहाँ से फुटाव आएगा, ये ऊपर का पार्ट है, ये भी नीचे जड़ है, ऊपर फुटा हुआ आएगा। ये अब लगा दिया है, और इसकी केयर ये है कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग से ये बहुत जल्दी इसमें रॉटिंग हो जाती है, और इसमें मॉइस्चर मेंटेन करना है। मेंटेन मतलब कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और जब थोड़े प्लांट्स निकलने लगे तो इसको आप थोड़ा सन में रख सकते हैं, और मॉइस्ट रखेंगे तो ये छोटे छोटे जो हम लोग ने बल्ब देखे थे ये जर्मिनेट होने शुरू हो जाएंगे। इनका ये सीज़न है। इसमें जब बल्ब्स लगा देते हैं उसमें वाटरिंग के उसके बाद उसका वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर ओवर वाटरिंग होती है तो वो बल्ब्स ख़राब हो जाते हैं, और थोड़े छोटे फुटाव आते हैं, और उसके बाद में लीव्स बड़ी बड़ी होती चली जाती हैं। और ये गर्मियों में साथ में बारिशों के दिन तक ये खूब ग्रो करता है। इसकी स्टेम जो स्टॉक्स हैं ये कई बार 1.5-1.5 फीट, 2-2 फीट की भी हो जाती हैं, और लीव्स इसकी एक एक लीफ करीब 12 इंचेस, 15 इंचेस की भी हो जाती हैं। और जब आप बल्ब्स खरीदें तो ये ध्यान रखें कि बल्ब्स आपके थोड़े बड़े साइज के हों और रेस्टेड हों, तब बहुत अच्छे से इनमें ग्रोथ होती है। बहुत छोटे जब बल्ब्स होते हैं तो उनमें इतनी बढ़िया ग्रोथ नहीं हो पाती, मगर फिर भी अब मैं लगा देती हूँ, क्योंकि जब सॉइल में लगा देते हैं सीजन में उस बल्ब की भी ग्रोथ हो जाती है। अब इसमें इस प्लांट में वो समर्स में 3-4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। इसको शेड लविंग प्लांट है, ब्राइट लाइट चाहिए इसको, मगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं। तो इसको ब्राइट लाइट में रखें, और साथ में पानी का भी बहुत ध्यान रखें। पानी का क्या करना है, ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, इसकी सॉइल में हमेशा मॉइस्चर बना रहे, मगर ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ड्रेनेज होल एकदम चेक करके रखें कि इसकी ड्रेनेज होल में एकदम फ्री रहे, पानी डालें और एकदम से निकल जाए। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फर्टिलाइज कर सकते हैं आप, हालांकि हम लोग ने जो ये फर्टिलाइज़र इसमें डाला है फरवरी में जब पॉट किया था, हम लोग ने जब बल्ब्स लगाए थे, वो फर्टिलाइज़र इसके लिए काफ़ी हो जाता है टू लास्ट फॉर 3-5 मंथ्स। उसके बाद तो ये वैसे भी बारिशों के बाद ये थोड़ा
ढलना शुरू हो जाता है। विंटर्स से पहले जैसे ही ठंड का मौसम थोड़ा शुरू होता है तब इसकी लीव्स थोड़ी डल होनी शुरू हो जाती हैं और इसके स्टॉक्स ये ढीले होने शुरू हो जाते हैं और नीचे इसकी लीव्स नीचे ढलकती चली जाती हैं। तब पता चल जाता है कि ये लीव्स मैच्योर हो गई हैं, इसका मौसम धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है ये प्लांट अपने आप डाई बैक करने लगता है। आप पानी उसमें रिड्यूस कर दें और फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद जब प्लांट की सारी लीव्स गिर जाएं या गल जाएं तब आप उसको काट के और सॉइल में से निकाल के रख सकते हैं बाहर। मैं तो इसको छोड़ती नहीं हूँ इसके कंटेनर में, वैसे अगर छोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट ईयर अपने आप ग्रोथ कर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।